प्रभावित भी करते हैं। अगर हम आपको बताएं कि आकाश में भ्रमण करने वाले इन ग्रहों को धरती पर उतार लिया गया है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। यह हमारी स्पेशल स्टोरी देखने के बाद आप विश्वास जरूर करेंगे। तो आइए चलते हैं नौ ग्रह मंदिर। राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहे जाने वाली सूर्य नगरी जोधपुर अनेक खासियतों को अपने में समेटे हुए है। देश की पश्चिमी सीमा के निकट इस सबसे बड़े शहर का मेहरानगढ़ दुर्ग और उमेद भवन पैलेस पूरी दुनिया में मशहूर है। जोधपुर के सैंड स्टोन की मांग पूरी दुनिया भर में है, तो जोधपुर की एक ऐसी ही विशेषता नौ ग्रह मंदिर है। मेहरानगढ़ तलैटी पर स्थित ये मंदिर अपने आप में अनूठा है। अनूठा इसलिए क्योंकि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप कहेंगे कि नवग्रह मंदिर में खासियत क्या है, सभी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, वैसे ही नवग्रह का मंदिर भी हो सकता है। दरअसल मान्यता यह है कि नवग्रह मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता, इसलिए नवग्रह मंदिर बनवाने से लोग डरते हैं। जोधपुर में फतेह सागर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में नवग्रह की प्रतिमाएं 70 साल तक स्थापना के लिए इंतजार में पड़ी रही। ये प्रतिमाएं मद्रास से मंगवाई गई थी। 3 लोगों ने अलग अलग मंदिरों में उसकी स्थापना का प्रयास किया, लेकिन इन 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पंडित कमलेश दवे ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने गुरु मशहूर ज्योतिषी शिव नारायण दवे, जिनको सरदार जी के नाम से भी जाना जाता है, की प्रेरणा से अमरनाथ मंदिर में नवग्रह की प्रतिमाएं स्थापित की। पंडित कमलेश दवे ने नवग्रह को उनकी दिशा में उनके रंग के अनुसार 0 डिग्री पर स्थापित किया और उनके हवन कुंड भी उनकी शस्त्रो आकृति अनुसार, जैसे कि शुक्र तारा यानी स्टार के रूप में, शनि धनुषाकार के रूप में, चंद्रमा चौकार के रूप में बनाया गया। अमरनाथ महादेव मंदिर परिसर में नवग्रह की प्रतिमाओं के पास ही रावण की कुल देवी खराना का मंदिर भी है। गंधर्व मुख वाली इस देवी की प्रतिमा भी अनूठी और दुर्लभ है। करनाना की प्रतिमा नवग्रह प्रतिमाओं के पास सशस्त्र विधि विधान के रूप में स्थापित की गई। पंडित कमलेश दवे का दावा है कि किसी भी व्यक्ति का कमजोर ग्रह का उपाय उस ग्रह की प्रतिमा के सामने बैठकर विधि विधान से करने से उसे लाभ प्राप्त होता है। एक्चुअली स्टाफ मेंबर सारे घूमने के लिए आए थे, तो फॉल्ट देख के यहाँ पे हम लोग आए थे, तो किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे इतना सुंदर मंदिर है, तो हम लोग वो देख नवग्रह का मंदिर है, तो हम लोग ये पूरा मंदिर देखने आए हैं। और ये जो 70 है ऊपर, ये बहुत प्रीटी है यहाँ के। ये जो मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी है, मैंने पहले कभी नहीं देखी कहीं पे भी। हाँ, सिर्फ आज तक हमने नौ ग्रह के नाम सुने हैं या फिर साइंस में मॉडल्स देखे हैं या फिर उनके बारे में पढ़ा है, बट आज तक ये नौ ग्रह का मंदिर या फिर
या फिर इनके बारे में कुछ मतलब ऐसे मूर्तियों का डायरेक्शन की टाइप में आज पहली बार देखा है? हमने ये सब मंदिर कभी पहले कहीं नहीं देखा। ये मंदिर मतलब देखने में इतना अद्भुत है ना कि इसके बारे में कहना ही कुछ अलग ही बात होगी। इसमें हमने आज तक जितना भी सब कुछ पढ़ा है वो सब कुछ बुक्स में पढ़ा है। कभी मेरे को इतना भी नहीं पता था कि ये डायरेक्शन भी ऐसी होती है कि मैंने यहीं आके देखा है। इस दृश्य को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये जो छत्र है ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब इनकी दिशाओं का इतना नॉलेज नहीं था। हाँ यस सर। हम लोग सुजानगढ़ से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आए थे जोधपुर। तो हमारे एक फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे नवग्रह का मंदिर है जो आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगा। और इनफैक्ट जब हम लोग यहाँ पे आए तो मैं बाहर से देख के यही सोच रही थी कि मतलब पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नवग्रह जो हमने SST में या साइंस में देखे हैं केवल एज ए मॉडल हमने देखे हैं, बट यहाँ पे उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, कौन सा ग्रह है जो कौन सी दिशा में अपनी स्थिति लिए हुए हैं, कैसे वो सर्किल लगाते हैं, तो पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट राजस्थान ही नहीं केवल मतलब आप भी कह सकते हो कि आपके पूरे इंडिया में, हमारे पूरे इंडिया में ऐसा मंदिर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे और बना हुआ है। थैंक यू। जोधपुर किले के पास तलहटी में नवग्रह मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर एक ज्योतिष आधार पर बना हुआ है। इस मंदिर में जो मूर्तियां लगी हुई है ये मूर्तियां काफ़ी पुरानी हैं। कई वर्षों तक ये फतेह सागर मंदिर में, महालक्ष्मी मंदिर में वहाँ रखी गई थी और इसे कोई लगाने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी इसको लगाना चाहता था, स्थापित करना चाहता था, वो विचार करता था उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती थी। और ये सूर्य मूर्ति जो है खोलता और बंद करता था कि लगाने का विचार कर रहा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। कई वर्षों तक मूर्तियाँ करीबन 70 साल वहाँ पड़ी रही, कोई लगाने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद के अंदर हमारे गुरुजी ने कहा कि यहाँ आके लगा दो। पंडित शिवनारायण दवे उर्फ सरदार जी ने कहा तो मैंने उनके सान्निध्य में यहाँ मूर्तियाँ लाकर जो है उसको विधिवत पूजा करके और इस पर तांत्रिक पूजा की गई। तांत्रिक का अर्थ यह है कि जो मंत्र है जिसमें चारों वेदों के मंत्र द्वारा इसको जो है पहले दूध से, दही से, घी से, शहद से और कई द्रव्यों से सोया इसको जो है धोया गया, उसके बाद में इसको स्थापित किया गया। और स्थापित भी जो है यहाँ स्थापित इस हिसाब से किया गया कि हर ग्रह जो है अपनी दिशा के अंदर रखा गया है और उनका जो दिशा है वो 0 डिग्री पे है। जैसे मंगल है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, तो दक्षिण दिशा में वह 0 डिग्री पे रखा गया है। उसके बाद में इसकी खासियत यह है कि मूर्तियाँ जो है यहाँ पर मद्रास से लाई गई है तथा इसकी जो स्थापना करते समय और इसका उद्घाटन के समय अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के हाथों द्वारा कई वर्षों पहले हुई थी। तथा ये जो मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों में विशेषता ये है कि यहाँ जो स्थापित करने के बाद बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। उसके बाद में यहाँ जो पत्थर है वो उसी की कलर के लगाए गए और इन मूर्तियों के जो छत्र है वो उसी भी कलर के हैं तथा उसके यंत्र भी सामने हैं वो भी उसी रंग के। जैसे सूर्य सफ़ेद है तो गोल्डन है, तो गोल्डन है, चंद्रमा श्वेत है, मंगल लाल है, बुध हरा है, इस प्रकार उनके आधार पर ही ये मूर्तियाँ जो है ये स्थापित की गई तथा उनके कपड़े भी उन्हीं कलर के हैं, उन्हीं रंग के हैं और उनके जो भोग उन्हीं आधार पर चढ़ाए जाते हैं। विशेषता ये है कि उनके आगे जो आसन है वो आसन जो है दशा के अनुसार है। जैसे सूर्य की दशा चल रही है तो वो मनुष्य है जो उस आसन पर आके खड़ा रहता है। 9 आसन के अंदर जो भी उस जो स्थान पर खड़ा रहता है वो उस ग्रह निर्बल होने के कारण उस पर खड़ा रहेगा, जो कि उनके जन्म पत्रिका या उनके जो है कार्य कर्म के अनुसार है उस आसन पर आकर खड़ा हो जाता है। ये एक विचित्र जो है इस मंदिर है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज्योतिष आधार पर है। और विशेषता यह है कि नवग्रह के मूर्तियों के पास ही रावण की आराध्य देवी है, वो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है, वो इन्हीं ग्रहों के साथ जो है बंधी हुई है। इस प्रकार ये ग्रह जो मंदिर है, ग्रह का जो मंदिर है वो देखने लायक है। तथा और अब आगे जो है इनकी माताओं की मूर्तियां भी बन रही है जो स्थापित की जाएगी। आपने यहाँ पे
हवन कुंड भी इनके अनुसार के आकार के जैसे बनाए हैं। उसके बाद के अंदर पंडित सरदार जी जो मेरे गुरुजी हैं उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने यह हवन कुंड का निर्माण किया। और हवन कुंड के अंदर जो हवन कुंड का निर्माण है नौ ग्रह के अनुसार है तथा उन्हीं आकार का है। जैसे आकाश के अंदर जो है शुक्र जो है तारा रूप में है, तो वो जो कुंड है वो भी स्टार रूप में मतलब तारा के रूप में बनाया गया है। जैसे शनि धनुषाकार है तो धनुषाकार कुंड है, चंद्रमा चौकोर है, ऊपर से गोल दिखता है मगर उसकी प्रति जो है चौकोर है तो चौकोर के हिसाब से बनाया गया है। बुध बाणाकार है तो वो बाण के हिसाब से बनाया गया है। जिस मनुष्य के जो दशा होती है उसी के अनुसार उसको कुंड के पास बैठाया जाता है और उसकी आहुति दी जाती है। अब 8 अक्टूबर 2019 से यहाँ महायज्ञ की तैयारी चल रही है और जन्मपत्रिका दे उसकी दशा देखकर उन्हीं कुंडों पर बैठाया जाएगा। उसके ऊपर जो हवन कुंड का निर्माण के बाद में उन कुंडों को जो पत्थर द्वारा ऊपर जो है छाया गया है मतलब बनाया गया है वो भी देखने लायक है। लाल पत्थर से बना हुआ है और उनके कुंड के अनुसार ही उनको बनाया गया है। और ये कुंड जो है भारतवर्ष में नवग्रह कुंड कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इनके अनुसार ही उनका यज्ञ किया जाता है और उनके अनुसार भोजन भोग लगाया जाता है। और यहाँ के जो पंडित हैं वो भी उन्हीं के अनुसार पूजा करवाते हैं तथा उनकी पुस्तक का भी निर्माण हो रहा है।